गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा किसी को बहला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन कराना और फिर शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कमलनाथ बताएं क्या मसूद का प्रदर्शन करना सही था। मसूद को इतनी चिंता थी तो वे फ्रांस में जाकर प्रदर्शन करते। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फ्रांस की घटना पर मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद ने शक्ति प्रदर्शन क्यों किया। उन्होंने कहा जब हिंदू देवी देवताओं के अभद्र फोटो बनाए गए तब इन्होंने क्यों सौहार्द्र नहीं दिखाया। कमलनाथ ने मसूद की इस हरकत पर कोई बयान नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद जैसी घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा किसी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना और शादी करके जिंदगी बर्बाद करने नहीं दिया जाएगा, इस पर कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह 10 तारीख तक रुक जाए, उनको जनता का जवाब मिल जाएगा। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि आदरणीय मसूद जी ने यहाँ पर वो कार्यक्रम क्यों किया। भोपाल फ्रांस की घटना थी, ज़्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो पंच टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना था? जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए, वो तो देश में थे, तब भी कुछ ऐसा कह देते तो समझ में आता कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करते रहते। इसी तरह से एक बार वो सिमी के लिए बैठ गए थे धरने पर। अब इस तरह का जो कृत्य है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो भोपाल में कर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून जो है उसमें संशोधन करके इस पर सख्त कार्रवाई करें, और इसे कैसे सख्त और ये हो सकता है किसी को भी बहलाना फुसलाना और बहला फुसला के फिर धर्म परिवर्तन करवाना, फिर शादी करना, फिर बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब करना, इस तरह का मध्य प्रदेश में तो नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो सख्त कार्रवाई करें। साथ किसकी गृह है 4 दिन बाद पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह की प्रतीक्षा करें 10 तारीख की। लोकतंत्र है यहाँ, जनता मत तय करती है, नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।